कैसे हो आप लोग दोस्तों, मैं हूं कृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ में कसल फ्यूरिक। हाउ टू ग्रो इन सिविल इंजीनियरिंग गाइस। ये सिविल इंजीनियरिंग इतना ब्रॉड है कि इसको मैं अगर एक वीडियो में कवर करूंगा कि हाउ टू ग्रो इन सिविल इंजीनियरिंग, तो ये गलत होगा, क्योंकि डेफिनेटली इसमें इतने ढेर सारे डोमेन्स हैं कि सारे डोमेन्स को कवर करना प्रॉब्लम हो जाएगा एक वीडियो में। इसलिए इस 10 वीडियो की सीरीज तैयार कर रहा हूं, 10 वीडियो की सीरीज तैयार कर रहा हूं, जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि भाई सिविल इंजीनियरिंग जो डोमेन है ना, इसमें ग्रो करने के अलग अलग मेथड्स हैं। ये दूसरे डोमेन्स की तरह नहीं है कि एक जगह पर्टिकुलर जॉब के लिए गए, वहां पर कुछ स्किल सीखा और वहां पर लग जाते हो। यहां पर ग्रो करने के अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग इंडस्ट्री है। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अगर बात करें तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एक अलग इंडस्ट्री है, बीम इंडस्ट्री एक अलग है, पीईवी स्ट्रक्चर इंडस्ट्री अलग है, और प्रीकास्ट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग अलग है, एस्टिमेशन क्वांटिटी का इंडस्ट्री अलग है। इसके अलावा साइट इंजीनियरिंग का कैरियर अलग है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। उसके बाद आप किस तरीके से इंटीरियर का खुद का बिजनेस कर सकते हो, किस तरीके से अपने लाइक ऑफिशियल जॉब कर सकते हो घर बैठे, मीन्स आप अच्छे तरीके से फ्रीलांसिंग वर्क करके कैसे अर्न कर सकते हो, वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। इसके अंदर आप किस तरीके से जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन हो तो आप थोड़े बहुत प्लॉट वगैरह में पैसे लगा के अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। किस तरीके से इसमें 2-4 यूनिट्स अच्छे तरीके से, आपको अगर मार्केटिंग स्किल है तो अपार्टमेंट्स 2-4 यूनिट सेल कर दिया तो डेफिनेटली इसमें आप बहुत हाई लेवल की इनकम जनरेट कर सकते हो। किस तरीके से रेफरेंस से पैसा आता है इसमें, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स हैं, आप किसी को प्रोजेक्ट्स दिलाते हो तो वो आपको उसका प्रोजेक्ट का कुछ परसेंटेज शेयर करता है, तो उसमें किस तरीके से कैरियर बना सकते हो। जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं कि जिसको हम लोग यहाँ पर 10 वीडियो के सीरीज में डेली एक एक वीडियो की सीरीज तैयार करेंगे और उसमें समझेंगे कि हाउ टू ग्रो कैरियर इन सिविल इंजीनियरिंग। आज का जो सीरीज का पहला वीडियो रहेगा, इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं कि हाउ टू स्टार्ट योर कैरियर इन सिविल इंजीनियरिंग। ग्रो तो तब होगा जब स्टार्ट करोगे ना, ठीक है, ग्रो तो तब होगा जब स्टार्ट करोगे। तो पहला वीडियो जो है आपका, इसमें मैं आपको समझाने वाला हूं कि बताने वाला हूं कि किस तरीके से सिविल इंजीनियरिंग के अंदर करियर को आप बना सकते हो। तो एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि डेफिनेटली देखो हमारे पास इतना भी वक्त नहीं हो पाता है कि हम इसके लिए आपको एनिमेटर वगैरह लेकर रख सकें। डेफिनेटली जो कुछ भी है वो हमारे जवान पे जो भी है, जो भी मेरी एक्सपीरियंस है, वही मैं आपके साथ यहां पर साझा करता हूं, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें, प्रैक्टिकल चीजें समझ में आएंगी कि हाँ यार, यहां से भी करियर कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज्यादा नीड होगा कि आप इस वीडियो सीरीज को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, सो दैट कि 10 से 10 वीडियोस को देखने के बाद उनकी आंखें खुल सके कि हाँ यार, यहां पर तो हमारा, हमने सोचा ही नहीं था कि यहां पर भी स्कोप है, हमने सोचा ही नहीं था कि यहां से भी पैसे आ सकते हैं। 10 सीरीज तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डेफिनेटली अगर सपोर्ट मिला हो तो उससे भी ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि सिविल इंजीनियरिंग में कैसे पैसे अर्न कर सकते हो और कैसे एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हो, समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई, अगर आप लोग यूट्यूब पर हमें देखते हो तो सब्सक्राइब तो किए ही होगे, अगर नहीं किए तो कर लो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो हमारे साथ अन्याय किया। क्यों? क्योंकि ऐप पर मैं ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, ढेर सारे कंटेंट्स आपको शेयर करता रहता हूं, तो ऐप को डाउनलोड कर लो। ये दोनों चीज कर लिया, नहीं किया, ये गलत बात है, कर लो, ठीक है। तो आप ये दोनों काम कर लो, इसके बाद चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि आप सबको पता है कि किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि डेफिनेटली साइट को एडजस्ट करने के बाद, साइट का लाइक लेबलिंग वगैरह करने के बाद, सबसे पहला काम होता है उसका फाउंडेशन तैयार करना। क्या होता है? फाउंडेशन तैयार करना। अगर आपने अच्छा फाउंडेशन नहीं बनाया है, कितना भी अच्छा सुपरस्ट्रक्चर बना दोगे, कैरियर में बूम नहीं पाओगे, मतलब बिल्डिंग में वो क्वालिटी नहीं पाओगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, वो यहां पे अभी मैं नहीं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये भी एक बहुत बड़ा सीरीज है। तो सबसे पहले अगर हमको कैरियर ग्रो करना है तो फाउंडेशन समझना पड़ेगा, किस इंडस्ट्री में जाना है। तो देखो यार, इसमें बहुत ढेर सारी इंडस्ट्री है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। मेरी जो एक्सपर्टीज वाली इंडस्ट्रीज है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, डेफिनेटली कुछ लोग आपको अपनी इंडस्ट्री शेयर करेंगे। मेरा सजेशन है कि आप देखिए कि आपको इंटरेस्ट किस में आ रहा है। बिलीव करिए, अगर कोई बोलता है कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है तो सबसे बड़ा बेवकूफ हुआ है, ठीक है। कोई कहता है बीम में स्कोप नहीं है, सबसे बड़ा बेवकूफ हुआ है। और कोई बोलता है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में कोई स्कोप नहीं है, सबसे गबड़ा गधा हुआ है। कोई बोलता है प्रीकास्ट में आपका स्कोप नहीं है, वो सबसे बड़ा गधा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर, इनको गधा और बेवकूफ आपने बोल दिया। यस, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है उस सेक्टर का, आपको पता ही नहीं कि भाई कि उस सेक्टर में किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, उस सेक्टर में कैसे ग्रो किया जाता है। आप कैसे किसी इंडस्ट्री को गलत बोल सकते हो? मैंने कभी भी किसी इंडस्ट्री को गलत नहीं बोला है, हमने बोला है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सही नहीं लगा, ठीक है। तो वो हो सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज अच्छी लगी हो, जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि साइट पर जिस तरीके से आपको ट्रीट किया जा रहा है, सिविल इंजीनियर्स को ट्रीट किया जा रहा है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता है,
ठीक है, मुझे लगता है कि यार हमने जो इंजीनियरिंग की है, हमने जो इतनी स्टडी की हुई है, इसके लिए नहीं कि हम साइड पर खड़े होकर पाइप लेके क्यूरिंग करें और उसके बाद दो दो तीन तीन दिन तक हम साइड पर खड़े होकर क्या बोलते हैं कॉस्टिंग करवाएं। आई डोंट थिंक ये पॉसिबल, ये चीज़ अच्छी है। इसके जगह पे ये हो सकता था कि हम जाके वहाँ पे चेक करते कि सब सही हो रहा है कि नहीं, और चेक करके साइट विजिट करके वापस आते। दैट वॉज द गुड थिंग, दैट इज द स्टैंडर्ड, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है कि यार कोई अगर नॉर्मल लड़का रखोगे तो 15,000 रुपये मिले मतलब कि देना पड़ेगा, उसके जगह पे एक सिविल इंजीनियर रख लो 15,000 रुपये में, क्या है यार, ये क्या लेवल है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो चलिए स्टार्ट करते हो, समझते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग ग्रो कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी डोमेन में। तो एंट्री करता हूँ पहले डोमेन से, दैट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में अगर आपको आप सर्च कर रहे हो कि मुझे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में ही करियर बनाना है, ठीक है, आगे और इंडस्ट्री के बारे में कवर करूंगा, तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में ही करियर बनाना है, तो अगर आप इंटर्नशिप, कुछ लोग सर्च करते होंगे कि फ्री इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप ऐसा कुछ मिल जाए या फिर कोई जॉब मिल जाए, तो आप कोई लोग बीटेक कर रखे होंगे, कोई एमटेक कर रहे होंगे, बीटेक भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है किसी भी स्ट्रक्चर इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए। तो आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ लोगों ने किया होगा और उसका नॉलेज भी होगा। अब इंडस्ट्री में कैसे एंट्री करूं, तो इंडस्ट्री जो वर्क करती है उसके हिसाब से, इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है, इंडस्ट्री से मैं वर्क कर रही है सॉफ्टवेयर्स पे, ठीक है। कोई इंडस्ट्री यूज कर रही है स्टैट प्रो, कोई इंडस्ट्री यूज कर रही है ईटैप्स, कोई इंडस्ट्री यूज कर रही है ऑटोकैड, तो अगर आप उसमें परफेक्ट हो तभी आपको रखा जाएगा। डेफिनेटली आपको मैं एक चीज बताऊं कि अभी बहुत ढेर सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ओल्ड खाने बनाने पसंद होंगे या फिर ओल्ड खाना वो अच्छा बनाते होंगे। ओल्ड खाना इन द सेंस जो हम लोग के पूर्वज खाते थे, पूर्वज इन द सेंस हमारी एक दो तीन चार पीढ़ियां पुरानी जो पीढ़ियां थी उनके जो डिशेस थे वो अलग होते थे खाना कहने के। और डेफिनेटली आज के टाइम का जो स्किल है, आज के टाइम का जो डिश हो चुका है, लोगों का किस तरीके का हो चुका है आपको पता है। तो अब अगर कोई अच्छा सेफ बनना चाहता है तो सेफ बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आज की इंडस्ट्री खा रही है, आज की जो पॉपुलेशन खा रही है, उसमें आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, न कि उन चीजों में जो आपके तीन पीढ़ियां पहले खाती थी। तो अपने सिविल इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों ने वही खाया, वही सीखा है जो तीन चार पीढ़ियां पुरानी करती थी। अभी क्या हो चुका है, अभी सब कुछ नए तरीके से हो रहा है। तो इसमें बेसिक चीज आपका क्या है, वो है कि कम से कम आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए ऑटोकैड का, अच्छा नॉलेज होना चाहिए स्टैट प्रो का। अब लोग सोच रहे हो सर और इंडस्ट्री के लिए, भाई रुको, एक एक दिन में एक एक इंडस्ट्री को कवर करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑटोकैड और स्टेट प्रो पे अगर आपका अच्छा नॉलेज हो जाता है, अब अच्छा नॉलेज किसको बोलते हैं, अच्छा नॉलेज उसको बोलते हैं कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए कि भाई इतने बाई इतने का ये प्लॉट है, इसमें आपको एक अपार्टमेंट प्लान करना है, एक बंगलो प्लॉट करना है, आपको कहीं से भी बिल्कुल डाउट नहीं आना चाहिए, प्रॉपर वॉल बना दो, प्रॉपर सेक्शन एलिवेशन बना दो, प्रॉपर उसके टेक्सटिंग कर दो, प्रॉपर उसको सीट में ले आकर एडजस्ट कर सकते हो कि कैसे प्रिंट करना है, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑटोकैड के अंदर दे पा रहे हो, अगर दे पा रहे हो, ठीक है, अगर आप ऑटोकैड के अंदर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट कर पा रहे हो, दैट मीन कि जो आपने ऑटोकैड सीखा है वो वर्थ है, ठीक है। मेरे सिविल इंजीनियर गुरुकुल में लगभग इसमें 70 बच्चे हैं, ठीक है, और 70 बच्चों की मैं गारंटी लेता हूं कि जिनका भी ऑटोकैड खत्म हुआ है वो एक प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं, मतलब उनको कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाए, चाहे अपार्टमेंट चाहे बंगलो, वो सबमिट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरा पढ़ाना वर्थ नहीं होगा, ठीक है। इसका अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आप गुरुकुल से हो तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने भी गलत किया है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, मुझे इतना भरोसा है कि मेरे गुरुकुल के जितने स्टूडेंट्स हैं सभी के सभी ऑटोकैड प्रॉपर प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। सेम थिंग होता है स्टैट प्रो के अंदर भी, अगर आपने स्टैट प्रो सीख रखा है तो अगर स्टैट प्रो को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ नहीं सीखा है, ऊपर कॉलम में रेनफोर्समेंट ज्यादा आ रहा है, नीचे कम आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है, बेस ईयर कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, एच इंटू डब्ल्यू कर रहे हो तो एच कहां से आ रहा है, मतलब डीप में जाके स्टैट प्रो सीखना है। ये नहीं कि बस देखो क्या होता है कि सब्जी बनाना मुझे भी आता है, लेकिन मेरी सब्जी तुमको खाना मुश्किल हो जाएगा, क्यों, बहुत गंदी बनाऊंगा मैं, देखो मैंने देखा हुआ है ना घर में कैसे बनता है, वो डाल दिया नमक, डाल दिया हल्दी, डाल दिया मसाला, डाल दिया तरह तरह की चीजें हो गए। लेकिन यही सब्जी जब एक एक्सपर्ट बनाते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपके घर में माताएं बहने होंगी, वो लोग बनाते हैं, तो उसका टेस्ट कैसा होता है, डिफरेंट लेवल का, तो वो प्रोफेशनल लेवल है। वही चाहिए आपको स्टैट प्रो के अंदर, कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो उसको एक फिनिशिंग के साथ क्या आप सबमिट कर सकते हो, अगर सबमिट कर सकते हो तो जो आपने ऑटोकैड सीखा है, जो आपने स्टैट प्रो सीखा है वो वर्थ है, और वो एक्चुअली में जो सीखा है वही रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अगर आपने ये नहीं सीखा हुआ है कि स्टैट प्रो में प्रोजेक्ट सबमिट करके कैसे देंगे, तो आप बिलीव करिए जो आपने स्टैट प्रो सीखा हुआ है, जहां से भी सीखा हुआ है, वो स्टैट प्रो आपने या तो आपकी गलती रही होगी या फिर सामने वाले की गलती रही होगी, आपने अच्छे तरीके से नहीं सीखा है। तो अगर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो कि मैं किसी इंटर्नशिप में जाऊं, कोई भी आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा, तब तक
जब तक आप उसके यूज में नहीं आओगे। सबसे बड़ी चीज आज के टाइम में कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री आपको तभी रखने वाली है जब आप उसके यूज में आओगे। और अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी लड़ती हैं कि मुझे यही इंप्लॉई चाहिए। एक कंपनी बोलेगी कि मुझे 15,000 रुपये मैं ऑफर कर रहा हूँ, दूसरी कंपनी बोलेगी भाई मैं 20 ऑफर कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रूफ करना पड़ेगा मेरे अंदर क्वालिटी क्या है। तीसरी कंपनी 25 भी बोल सकती है, चौथी 30 भी बोल सकती है। इट्स ऑल अप टू योर डिमांड, ठीक है। अब डिमांड कैसे बढ़ाओगे? नॉलेज से। नॉलेज कैसे बढ़ाओगे? ट्रेनिंग से। अच्छी ट्रेनिंग्स करो, ठीक है। अगर आपने मेरे से स्टार्ट प्रो सीखा हुआ है, ऑटोकैड सीखा हुआ है, तो डेफिनेटली मैंने बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट्स दिए हैं। क्या आपने उन प्रोजेक्ट्स को किया? क्या प्रोजेक्ट को किया तो क्या दिखाया क्या कि सर मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, देखिए क्या लेवल आया मेरा। अगर हाँ तो अच्छा है, अगर नहीं तो कहीं ना कहीं आपने उसमें मिस्टेक्स कर दिया है। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास इसका नॉलेज रहेगा, अच्छे तरीके से रिज्यूम पोर्टफोलियो और आपका कवर लेटर रहेगा, बिलीव करिए हर एक कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करेगी। और ये मैं वादे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर 10 कंपनियों आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें से 2 कंपनियाँ जरूर आपको शॉर्टलिस्ट करेगी। अगर आपने एक्सप्लेन कर रखा है कि मुझे ऑटोकैड में क्या रहता है, आपने एक्सप्लेन कर रखा है कि स्टेट प्रो मुझे क्या आता है, आपने सिर्फ ऑटोकैड स्टेट प्रो डाल दिया है, तो भाई वहाँ पर हजारों लड़के होंगे जो उन्होंने ऐसे अप्लाई किया होगा। तो मैं किसको शॉर्टलिस्ट करूँ? मैं शॉर्टलिस्ट करूँगा उसको जो उस ऑटोकैड और स्टेट प्रो के अंदर क्या सीखना चाहिए वो लिख रखा है। अगर आपने वो लिख रखा है तो डेफिनेटली आपने उस जानते हो चीज, और डेफिनेटली जब सामने आते हो तो दूध का दूध और पानी का पानी होता है। टेक्निकल इंटरव्यूज कैसे दे रहे हो, ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यूज में क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं। वैसे आप चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो कि सर मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने गया तो मेरा रिजेक्शन यहाँ पर हुआ। आगे वीडियोस में उनको भी कवर करूंगा कि उनके आंसर्स कैसे देने चाहिए। आपको एचआर के इंटरव्यूज की पूरी फिनिशिंग होनी चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर हर चीज का आंसर्स होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये आएगा, ठीक है। युद्ध में जा रहे हो आप, ठीक है, सामने से युद्ध में से जिस तरीके से औजार है उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास भी होने चाहिए, उससे बेटर होने चाहिए। अगर किसी ने पूछा व्हाई शुड आई हायर यू, तो आपके पास एक से बढ़ के एक जवाब होने चाहिए क्यों आप मुझे हायर करो। अगर किसी ने पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो इतना बताने को होना चाहिए कि यार कंटेंट की कमी ही नहीं अपने बारे में बताने के लिए, इतने टेक्निकल नॉलेज है मेरे पास, उसको एक्सप्लेन करने लगो। किसी ने पूछा व्हाट यू नो इन स्टेट प्रो, तो कम से कम आप 1 घंटे तक चिल्ला सकते हो क्या स्टेट प्रो के बारे में? वहां चिल्लाना नहीं है, 1 घंटे तक क्या बता सकते हो स्टेट प्रो के बारे में? जब तक वो ना बोले कि अच्छा हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया आपको आता है, तब तक आप स्टेट प्रो के बारे में एक्सप्लेन करते रहो, दैट मीन यू नो स्टेट प्रो। इस लेवल की अगर तैयारी आप कर लेते हो तो स्ट्रक्चर्स के अंदर एंट्री आपकी आसान हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने क्या कवर किया कि स्टेट प्रो में और ऑटोकैड सीख के किस तरीके से इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं कि किस तरीके से बीम इंडस्ट्री में आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। तो हाउ टू ग्रो योर कैरियर इन सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप इस सीरीज को चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा इसमें चीजें मैं अपडेट करूं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करूं, तो नीचे कमेंट करना, साथ ही साथ यार एक दो जगह शेयर कर देना, उससे आपका कुछ नहीं जाता बट इस इंडस्ट्री में काफी लड़कों का ग्रोथ हो जाएगा और उससे आपको बहुत दुआएं मिलेगी। मैं इसीलिए इस सीरीज को स्टार्ट किया हूं। तो आपका प्यार चाहिए इसमें, कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, शेयर के माध्यम से दे सकते हैं, इतना करते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आपके पास कुछ भी मन में आ रहा है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट करो यार, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे आइडिया लगता है कि हाँ यार। और साथ ही साथ जैसे भी कुछ लोगों ने कमेंट किया कि कैसे हम कॉन्फिडेंस गेन करें, ले आ रहा हूं, कॉन्फिडेंस गेन कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा आपको, पूरी सीरीज तैयार कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।